मैम क्या नाम है आपका? रश्मि सहरावत। कहाँ से आए हो? मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। अच्छा, विशाखापट्टनम से इतनी दूर आए हो। संत रामपाल जी जेल में है, हिसार में, यहाँ पे आप आए हो विशाखापट्टनम से, तो क्यों आए हो? देखिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए आपको कोई मौका नहीं चाहिए कि आप क्यों आए हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एक वेग क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग चारों धाम की यात्रा करने पर क्या क्या करने जाते हैं, मंदिरों में क्या करने जाते हैं, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। आपकी क्या एजुकेशन है? मैं एमए बीएड हूं और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी रह चुकी हूं। एस्ट्रोलॉजर भी आप रह चुके हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि भाई एक बाबा, एक संत जो जेल में है, आप उसके फॉलोवर्स हो, आप उसके शिष्य हो, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं आप गलत वे पे जा रहे हो? नहीं, देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूं, तो पहले मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं साइंस को ही सब कुछ मानती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ आज तक समझ नहीं आई, साइंस की स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो कौन सी शक्ति है जिसने सूरज चांद सितारों को एक पर्टिकुलर, एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स करके रखा हुआ है। कोई साइंस का स्टूडेंट मुझे इसका आंसर दे सकता है तो ज़रूर दे कि कौन है वो शक्ति, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे किसी ने हमें हर चीज़ को फिक्स कर रखा है। सूरज हमें इतनी डिस्टेंस से रोशनी दे रहा है, चांद हमें इतनी डिस्टेंस से ठंडक दे रहा है, तो किसने ये नेचर को बैलेंस करके रखा हुआ है? नेचर खुद नहीं बन सकती और नेचर अपने आप को फिक्स नहीं कर सकती कि मुझे इस एंगल पे फिक्स होना है या मुझे इस एंगल पे फिक्स होना है। तो इन सवालों के जवाब शायद साइंस भी आज तक नहीं दे पाई है सेटिस्फैक्टरीली। वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने सेटिस्फैक्शन के साथ इस बात का आंसर दे दिया है, बट इस बात का कोई भी आंसर आज तक नहीं है। वो काम सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं, जिसको आप एक सुपर पावर भी बोल सकते हैं, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई गॉड बोल सकता है, सुपर पावर, सुपर नेचुरल, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी है जो सारी सृष्टि को, सारे संसार को चला रही है, इस यूनिवर्स को चला रही है। तो वही सृष्टि से हमें जोड़ने के लिए, उसी सुपर पावर से हमें जोड़ने के लिए जो संत रामपाल जी हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं कि वो सुपर पावर आखिर है कौन। संत रामपाल जी बताते हैं कि ये पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ पे आप सतलोक में रहते थे, तो क्या ये चीज़ें संभव हैं कि इस लोक के अलावा कोई सतलोक भी है जहाँ पे भगवान का घर है, वहाँ पे लोग रहते हैं? 21वीं सदी चल रही है, रोजैगेड साइंटिफिक ज़माना चल रहा है, तो इन चीज़ों को आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। अगर इंसान चाँद पर जा सकता है, बाकी प्लैनेट्स पर जा सकता है, और पहले हमने अपने वेदों में, पुराणों में पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमारे ऋषि मुनि दूसरे ग्रहों पे चले जाते थे। बहुत सारे ऋषियों के ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो बहुत सारे लोगों के ऊपर जाके वहाँ रिसर्च किया करते थे, वहाँ जाते थे और फिर वापस आते थे। तो कोई ना कोई तो उनके पास कला होगी ऐसी, या बोल सकते हैं आज के हिसाब से अगर आप मतलब एक एजुकेटेड पर्सन की लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि उन्होंने PhD की हुई थी इस चीज़ पर, कि वो अपनी बॉडी को छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते थे। तो सब कुछ पॉसिबल है। आज भी तो इंसान चाँद पर जा रहा है और रिसर्च कर रहा है। अभी अभी एक रिसेंट एक इम्प्रूवमेंट हुआ है नासा ने, अभी आपको सबको पता हो क्या क्या किया है। तो नासा तो वो काम अब कर रही है जो हमारे ऋषि मुनि संत पहले कर चुके हैं, और ये सब का ज्ञान जो है हमें गुरुजी दे रहे हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है, कि कैसे कर पाते हैं लोग ऐसा। तो ये सब सिद्धि शक्तियाँ, आप पुराने टाइम की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये सब सिद्धि शक्तियाँ हैं, और अगर आज आप विज्ञान की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये सब PhD या उस पर उन्होंने महारत हासिल कर ली है। संत रामपाल जी के बारे में जो समाज सुधार का योगदान है वो क्या है? समाज सुधार के लिए देखिए, मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, जब से मुझे होश आया है मैं समझने लगी हूँ दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जैसे ये आपका ड्रिंक करने की वजह से कितनी लाखों फैमिलीज बर्बाद होती हैं, औरतें कितने दुख में जीती हैं, उनके बच्चे कितने दुख में जीते हैं एक इंसान की वजह से। तो गवर्नमेंट के इतने सारे प्रयास करने के बाद भी, गवर्नमेंट इतनी नई नई स्कीम चलाती हैं लेकिन उनका ज़ीरो रिजल्ट रहता है। इतना पैसा खर्च करती है, करोड़ों विज्ञापनों पे खर्च करती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि संत रामपाल जी तो सिर्फ एक बार आप सत्संग सुन लीजिए, उसी से ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जितने भी परिवार आज इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इस एक आदत की वजह से, तो आप सत्संग सुन लीजिए। और सत्संग सुनने से सिर्फ एक यही नहीं, बहुत सारे विकार दूर होते हैं इंसान की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारियाँ भी दूर होती हैं, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ एक तरह से पूरा आपका शुद्धिकरण हो जाता है।
एक आत्मा का शुद्धिकरण, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब आपके विचार ही शुद्ध हो गए तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम्स अपने आप ही बहुत कम हो जाएंगी या बोल सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। तो एक तरह से संत रामपाल जी एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकली फील किया है। संत रामपाल जी जो ज्ञान है वो बहुत ही कंट्रोवर्सी ज्ञान है, तो आपको क्या लगता है कि जो संत रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं वो सही है? लोग ये भी तो कहते हैं कि संत रामपाल जी ज्ञान वो हिंदू विरोधी हैं संत रामपाल जी या मुस्लिम विरोधी हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो उनकी लिखी हुई किताबों को अब तक जिन्होंने नहीं छुआ है, नहीं पढ़ा है, या फिर उन्हें अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है। हिंदू हैं तो उन्हें अपने धर्म का ध्यान बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ गीता के ऊपर वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने गीता का आज तक एक भी पेज खोल के नहीं देखा है, उन्हें पता ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने अपने धर्म को समझा नहीं है, जाना नहीं है। और संत रामपाल जी सारे धर्मों को मिलाकर एक साथ जोड़ते हैं और सभी से ज्ञान देते हैं। जब वो अपना प्रवचन या कह सकते हैं जब वो अपना बैठते हैं अपना प्रवचन देते हैं तो आप देखेंगे कि वो एक टीचर की तरह होते हैं। जो सारी बुक्स उनके दोनों तरफ इतनी बुक्स का ढेर होता है उसमें हर धर्म की, दुनिया के हर कोने की, जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं या जो भी है संत हैं जो भी मत हैं उन सब की बुक्स वो लेकर बैठते हैं और सब ही बुक्स प्रोजेक्टर पर खोल कर दिखाते हैं ताकि किसी को कोई डाउट ही ना रह जाए कि हम सही ये संत सही बोल रहे हैं कि नहीं। वो विद प्रूफ दिखाते हैं हर चीज़ को कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा मत नहीं है और ये सब ऑलरेडी पहले लोग लिख चुके हैं, बस आपको दिखाना है, आपको सिर्फ प्रूफ के लिए दिखाना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी साइड से नहीं है, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। संत रामपाल जी चाहते क्या हैं? संत रामपाल जी का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी एक तो समाज सुधार उनका पहला उद्देश्य है और दूसरा है हमें सही भक्ति का ज्ञान कराना और परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा से जुड़ते ही इंसान की आत्मा प्योर हो जाती है और वो गलत काम की तरफ नहीं चलेगी, और जब गलत काम की तरफ वो चलेगी ही नहीं तो फिर हमें गवर्नमेंट की चलाई हुई किसी भी समाज सुधार की पॉलिसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फ्री में घर बैठे ही हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।